आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। जिस जगह पे हम खड़े हैं वो है गर्दनी बाग थाना का क्षेत्र और यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं लोग खाकी वर्दी में है वो इसलिए कि यहाँ पे जितने पूरे बिहार से चौकीदार आए हुए हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। मोदी जी कहते थे इलेक्शन में 2019 के, हाँ मैं चौकीदार, गर्व की बात है, हमें भी गर्व होता है, मगर आज ये धरना प्रदर्शन पे क्यों है, क्या है इनकी मांग, हम जानेंगे लोगों से, इन्हीं लोगों से। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन जी। क्या मांग है आपकी? हम लोग वापस लिया जाए, हम लोग का लड़का फैक्का का बहाली किया जाए और बहाली किया जाए, हम लोग का जो डेड बॉडी है रेलवे के उठवाया जाता है और डाक बांटा जाता है, ना हमको सवारी दिया जाता है ना पैसा दिया जाता है, तरह तरह का हम लोग परेशान में रहते हैं, हम लोग कोई भूखे मरते हैं, पीटी करते हैं, कोई नहीं देखता है, भेजने के बाद में बजा ड्यूटी देता है, गोली लगा है, अभी तक सरकार हमको पैसा नहीं दिया, हमको असर इंसाफ नहीं मिला। नीतीश जी इसे क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम लोग सर मानना चाहते हैं, हम लोग जो पहले अंग्रेज शासन में जो गुलाम थे और 1947 में जो हम लोग आज़ाद हुए, उसी आज़ादी से हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग आज़ादी रहे, जो बात जो 2019 में कर दिए हैं पुलिस अधीक्षक के पास, वो अपना जो है स्वयं तुरंत उसको जो है रिटर्न ले, और जिस तरह से मेरा डीएम साहब के यहाँ था सेवा पुस्त वेतन और बहाली और जो भी क्लेम करना जिला पदाधिकारी के साथ वहीं रहने दे। क्या आपको पुलिस अधीक्षक के अधीन किया गया है तो आपका किस तरह से तकलीफ होती है, क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है? इसलिए तकलीफ है उनसे, जो जब पुलिस वाला जो अपना थाना अध्यक्ष उसके पास है उसको मिनट नहीं लगता है, उतना तेज तराक थाना अध्यक्ष रहता है, मिनट में भी निलंबन करता है, हम गरीब चौकीदार हैं, मुरुख चौकीदार हैं सर, उसमें हम लोग को क्या कर देगा, कभी नहीं कर देगा, निश्चित नहीं है इसका। तो इन लोगों की जो मांग है वो ये है कि पहले जैसे डीएम के अधीन थे ये लोग, वही रखा गया जाए, जिला अधीक्षक के अधीन नहीं किया जाए। हमारा जो है चौकीदार दफादार जिला पदाधिकारी के अधीन था, तब पुलिस पदाधिकारी उनको शोषण करता था, उन पर अत्याचार करता था, जुल्म करता था, जब उनको खुद पुलिस अधीक्षक के अधीन जब दे दिया, उनको पावर मिल गया, तो हमारा जो है समाज के बीच में भ्रष्टाचार भी बढ़ेगी और चौकीदारों पर जो है और अधिक जुल्म बढ़ेगी, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि हमारा जो ये मांग है इसको मान लें, अगर हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो अगले जो है 2020 में जो चुनाव आने वाली है उसमें हम आपको इसका करारी जवाब। मेन वजह ये है कि थाने में दरोगा रहते हैं, हम लोग चौकीदार हैं, दफादार हैं, काम करते हैं तो थानेदार अपने नाम पर दर्ज कर लेता है, थोड़ा सा कुछ होती है, कुछ बात होता है तो दरोगा जी रिपोर्ट एसपी को कर देते हैं और बिना पूछे निलंबित करवा देते हैं, खुशामत करते हैं, नहीं करते हैं, विरोध करते हैं तो भी रिपोर्ट करते हैं। हम लोगों के मालिक जिला पदाधिकारी थे, हैं, उनके यहाँ रहते थे तो हम लोगों को डर नहीं रहता था, अंचल से वेतन मिलता था, अंचल अधिकारी सब कुछ करते थे, बहाली डीएम साहब करते थे, वेतन अंचल अधिकारी देते थे, अब वेतन एसपी साहब के यहाँ से मिलेगा, बहाली एसपी साहब के यहाँ से होगा, कोई भी दंड सजा एसपी साहब के यहाँ से होगा, तो दरोगा लोगों का मन चला बढ़ जाएगा, चौकीदार पर शोषण करना बढ़ जाएगा। इस तरह की बात अभी जारी नहीं हुआ है तब तक बिहार में कितने दरोगा लोग, कितने चौकीदार के खिलाफ रिपोर्ट किया है, कितने को सस्पेंड करवा दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग जिला पदाधिकारी के यहाँ थे और हम लोग वहीं रहें, मुख्यमंत्री जी अपने 2019 का नियमावली को रद्द करें और पूर्व की तरह हम लोग जिला पदाधिकारी के समक्ष रखें। आखिरी सवाल, हनुमान जी का मंदिर है ये और आप हनुमान जी के मंदिर से कुछ भाषण दे रहे थे, वो क्या था? हम लोगों को ये कहना है कि राम जी हनुमान जी को भेज करके सच्चाई पता लगाए कि इस दर्द पीड़ा सीता को कितना था, और आज हनुमान जी के दरबार में बिना बुलाए, पहले हम लोग उधर आते थे, आज हनुमान जी सब भक्त को बुला लिए हैं, आज हम लोग को लगता है कि नीतीश बाबू को सुदूदी हो जाएगी और हम लोग का कल्याण हो जाएगा। तो चौकीदार
जो इतने भी चौकीदार आए हुए हैं, चौकीदार संघ के जितने भी लोग हैं ऊंचे अधिकारी जो इनको लीड करते हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने जो अभी नया रूल चेंज किया है 2019 में वो रद्द कर दे, क्योंकि हम डीएम के अधीन ही रहना चाहते हैं, हम जिला अधीक्षक के अधीन नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको डर है कि कभी भी इनका निलंबन हो सकता है। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद।